हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वॉज। आपको बताना है कि मौर्यन एज के टाइम पे सबसे फेमस एजुकेशनल सेंटर कौन सा था, तक्षशिला, नालंदा, वैशाली या फिर बॉम्बे। तो देखिए, मौर्यन एज के टाइम पे अगर बात करें कि सबसे फेमस एजुकेशनल सेंटर कौन सा था, तो तक्षशिला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। अशोका का संबंध कौन सी डायनेस्टी से था, गुप्त, कुषाण, मौर्य या फिर कान्व। तो देखिए, अशोका का संबंध किससे था, ऑप्शन नंबर सी मौर्य डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। आपको बताना है, दो बार डायनेस्टी हो गया, ठीक है, तो बताइए मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना डायनेस्टी है भारत का, गुप्त डायनेस्टी, कुषाण, मौर्य या फिर कान्व। तो देखिए, सबसे पुराने डायनेस्टी की बात करें तो ये कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी मौर्य डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हो, WTO। तो ये कौन से साल में इसकी स्थापना हुई, ये आपको बताना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1995, ठीक है, और फर्स्ट जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन, द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नो एज। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं, एक्साइज टैक्स, ट्रेड टैक्स, इनकम टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी। राइट आंसर ऑप्शन डी कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक किन्हें कहा जाता है, एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, जॉन स्टॉट या फिर लॉर्ड कॉर्नवेल्स। तो देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है ये कौन से राज्य में है, असम, केरल, झारखंड या फिर मेघालय। तो देखिए, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है ये आपके असम में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। अब आपको बताना है, हाँ तो अब आपको बताना है, थोड़ा लाइट कट गया था, तो अब आपको बताना है कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किन्होंने संभाला है, बताइए, श्याम आनंद, ध्रुव अरोरा, पीएम प्रसाद या फिर अजीत कुमार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रसाद ने अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड को टेक ओवर किया है एज अ चेयरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन, लाठी एंड गंभीरा डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि लाठी और गंभीरा डांस फॉर्म जो है इसका संबंध कौन से राज्य से है, असम, केरल, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। तो देखिए, लाठी एंड गंभीरा डांस फॉर्म का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब तो आपको पता होगा, तो आपको बताना है कि अनटचेबिलिटी का एंड मतलब अंत की बात कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 12 या फिर आर्टिकल 15। तो देखिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, यह आपका है आर्टिकल 17 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि राखी गढ़ी कौन से राज्य में है भारत के, उड़ीसा, असम, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ला लीगा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। मतलब साल 2019 के बाद ला लीगा पहली बार किसने जीता, फ्रेंच क्लब, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो 2019 के बाद पहली बार जिन्होंने जीता वो है ऑप्शन नंबर बी बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसिट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ विच कंट्री। निसिट जो है ये कौन से देश के पार्लियामेंट का नाम है, रशिया, जापान, इसराइल या फिर इंडिया। तो ये आपके इसराइल का नाम है निसिट। नेक्स्ट है,
विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट कौन से देश के पास है, रशिया, जापान, इंडिया या फिर चाइना। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट किसके पास है, चीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ रशिया, रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा, डाइट, संसद या फिर कांग्रेस। कांग्रेस आपके यूएसए का नाम है, यूएसए के पार्लियामेंट का, संसद आपके भारत का है और डाइट आपके किसका है, जापान का। बच कौन गया, तो ड्यूमा, ड्यूमा इज द नेम, पार्लियामेंट नेम ऑफ रशिया। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट आर डेराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है, ये कौन से देश से लिया गया है, यूके, यूएसए, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, फंडामेंटल राइट जो है ये कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से हाई कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेंचेस हैं, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी या फिर मध्य प्रदेश। ये सारे हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, HC है। तो सबसे ज़्यादा बेंचेस की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, अब आपको बताना है कि भारत में मोबाइल कोर्ट किसकी दिमागी संतान है, जवाहरलाल नेहरू, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन द कंट्री, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट ऐसा भारत का पहला हाई कोर्ट है जो पेपरलेस बन गया है, मतलब वहाँ पेपर का यूज़ नहीं होता, बेसिकली सारा काम डिजिटली होता है। केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या फिर कर्नाटक हाई कोर्ट। तो ये है आपका केरला हाई कोर्ट, जहाँ सारा चीज़ पेपरलेस हो गया है, फर्स्ट होगा ये कंट्री का, मतलब हमारा जो 25 हाई कोर्ट है ना हमारे पास, तो उसमें केरला हाई कोर्ट नंबर वन पे रहा फर्स्ट, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के ऑथर कौन है, ये आपको बताना है, रस्किन बॉन्ड, अरविंद घोष, हर्षवर्धन या फिर मेगास्थनीस। तो लाइफ डिवाइन के जो ऑथर हैं ये हैं कौन आपके, ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं, 6, 7, 8 या फिर 9। तो देखिए, ओरिजिनली शेड्यूल की बात करें तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 8। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द स्टेट लिस्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, बाकी तीन नहीं आता है, डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर क्रिमिनल लॉ। तो देखिए, स्टेट लिस्ट में जो आता है ये आपका एग्रीकल्चर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ल्यूसेन डायमंड लीग 2023, आपको बताना है ल्यूसेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किनके द्वारा जीता गया, नीरज चोपड़ा, जेम्स पीथोन, अल्बर्ट ब्रेकी या फिर जूलियन वेबर। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसके द्वारा जीता गया, हमारे वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा, ये जहाँ जाते हैं जीत के ही आते हैं, प्राउड है यार इनपे तो। हु हैज़ बिकम द मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के मेन स्पॉन्सर कौन है, बायजूस, ड्रीम इलेवन, एडिडास या फिर जियो सिनेमा। तो देखिए, अभी जो मेन स्पॉन्सर है ना वो ड्रीम इलेवन, बस बैटिंग 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 चल रहा है हर जगह। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल डॉक्टर्स डे, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई, 12 अगस्त, 30 जून या फिर 12 जनवरी। तो ये आपका हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो कहीं पेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।